स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको की हत्या करने की कोशिश हुई है। ये कोशिश हैंडोवा शहर में हुई है जो कि राजधानी से करीब 150 किलोमीटर दूर है। वो एक कैबिनेट बैठक में थे, हाउस ऑफ कल्चर जो जगह है वहां पर। इस बैठक से जैसे ही वो बाहर आए, वो अपने समर्थकों से मिलने लगे और इसी वक्त हमलावर ने उन पर गोलियां बरसाई। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कम से कम 4 गोलियां चलाई गई हैं, जिनमें से शायद उन्हें पेट में गोली लगी है, सर में भी गोली लगने की बात कही जा रही है। जो जानकारी वहां से आई है, फेसबुक पोस्ट जो कुछ है उनके उसके मुताबिक वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में है, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। उन्हें फिलहाल हेलीकॉप्टर से बांस्का बायस्ट्रिका ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये वहां पर राजधानी जो है ब्रातिस्लावा, वहां पहुंचने में अगर सड़क के रास्ते गए तो वक्त लगेगा, तो हेलीकॉप्टर से उनको एयरलिफ्ट करके अर्जेंट सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा है। और अगले कुछ घंटे बताया जा रहा है कि उनके लिए बेहद अहम रहने वाले हैं, वो सर्जरी में जाने वाले हैं और ये बेहद अहम कुछ घंटे होंगे। जो हमलावर था उसे मौके पर ही हिरासत में ले लिया, सिक्योरिटी के जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्हें फौरन, उस शख्स को फौरन हिरासत में लिया गया। कारण अभी पता नहीं चला है कि क्यों उसने गोलियां चलाई। सितंबर में ही उन्होंने सत्ता संभाली है, कोलिशन सरकार की उन्होंने सत्ता संभाली है, काफी पॉपुलिस्ट उनको बताया जाता है। और जो उनके पहले जो प्रेसिडेंट वहां की थी, उन्होंने इस बात पर शॉक जताया है। बहुत अलग अलग देशों के नेता भी, जैसे ब्रिटेन के ऋषि सुनाक ने भी इस मामले में शॉक जताया है, कहा है कि इस तरह से हो गया। और ये एक बेहद चौंकाने वाली खबर है जो कि स्लोवाकिया से आई है। और स्लोवाकिया जो मीडिया है वहां की जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, शुरुआती जानकारी जो वहां से आई है, उनका भी ये कहना है कि कई गोलियां चलाई गई हैं और एक उनका कहना है कि एक पेट में लगी है, दूसरी उनके शायद सिर में लगी है और अब सर्जरी जो है वो की जाएगी। तो अभी फिलहाल ये जो वीडियो वहां से आए हैं उसमें भी ये देखा जा सकता है कि किस तरह से एक किस तरह से कार में उन्हें फौरन उनके सिक्योरिटी के जो अफसर है उन्होंने उनको गोलियां चलने के बाद बिठाया। और ये 3 हफ्ते पहले, यूरोपियन पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होना है उसके 3 हफ्ते पहले इस तरह का एक डेवलपमेंट हुआ है। और यहां पर ये जो स्थिति है वो काफी शॉक वाली बताई जा रही है और स्लोवाकिया में इसको लेकर काफी चिंता भी जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि सर्जरी होना है और अगले कुछ घंटे स्लोवाकिया के पीएम के लिए काफी अहम होंगे। दिल्ली से कादंबिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।